भाटापारा के प्राचीन तालाबों में से एक रामसागर तालाब का गंदगी से बुरा हाल है। नगरपालिका के उदासीनता के चलते नाले का गंदा पानी तालाब में सफाई के अभाव में मछलियां मारकर पानी के ऊपर आई। दुर्गंध व गंदगी से रहवासी परेशान है। आपको बता दें, शासन के द्वारा प्राचीन तालाबों को संरक्षित करने विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन भाटापारा में योजनाएं केवल कागज में है। जो बचे कुछ प्राचीन तालाब है वो गंदगी व नाले के गंदा पानी आने से दूषित हो रहा है। ऐसे ही नगर का सबसे प्राचीन रामसागर तालाब है, जहां आधे शहर की निस्तारी होती है, वहां नाले का गंदा पानी समाहित हो रहा है। साथ ही साफ सफाई के अभाव में गंदगी से पट चुका है। हालात ऐसा है कि तालाब में पाली गई मछलियां भी दूषित जल की वजह से मरकर ऊपर आ गई है। गंदे पानी में लोग नहाने मजबूर है। इस विषय में वार्ड पार्षद व रहवासियों ने बताया कि नगरपालिका के सीएमओ से कई बार साफ सफाई के लिए आग्रह किया गया, लेकिन कोई ध्यान अब तक नहीं दिया गया। हालात ऐसे हैं कि जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो हैजा या डायरिया जैसी बीमारी फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले में नगरपालिका सीएमओ लाल अजय बहादुर सिंह के संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। रामसागर तालाब ये बहुत पुरानी तालाब है, आधा भाटापारा शहर इसे निस्तारी करते हैं, लेकिन नगरपालिका के सीएमओ के द्वारा और मैं कई बार अवगत कराया हूँ, सीएमओ साहब को लेकर तालाब में लेकर लाकर दिखाया भी हूँ, उसके पश्चात भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वर्मा जी हैं, उनको भी कई बार लाकर निरीक्षण कराया हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और इसमें तालाब में मच्छी पालन किया जाता है, लेकिन मच्छी प्रदूषित पानी आने के कारण मछलियाँ पूरा मर गई है, जिससे पूरा वार्ड में हैजा फैलने की स्थिति बनी हुई है। इसकी आपके माध्यम से मैं उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, और यहाँ की जो नगर पालिका जो है भ्रष्ट है और कोई कार्रवाई नहीं करती है, और नहीं सफाई व्यवस्था ढंग से नहीं किया तो नगर पालिका का घेराव किया जाएगा। बलौदा बाजार से अमृत साहू की रिपोर्ट।